नमस्कार. दुपारचे 4 वाजलेत. आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमतवर महापुराचा हाहाकार. मी मिलिंद भागवत. मी विलास बडे. आणि सुरुवातीलाच कोल्हापूरच्या पूरग्रस्त परिस्थितीची अत्यंत दाहक वास्तव दाखवणारी बातमी. पुरात अनेक ठिकाणी नागरिक अडकून पडले. नागरिकांमध्ये प्यायला पाणी नाही आहे, खायला अन्न नाही आहे, त्यामुळे अन्न पाण्यापासून तडफडणारी ही सगळी माणसं आज या सगळ्या पूरपरिस्थितीत सामोरे जात आहेत. गेले काही दिवस सातत्यानं कोसळणारा मुसळधार पाऊस आणि घरात शिरलेलं पाणी, अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अन्न पाणी नाही म्हणून ही माणसं तडफडत आहेत. आता त्यांना हेलिकॉप्टरमधून फूड पॅकेट्स दिली जात आहेत. हेलिकॉप्टर येताच नागरिक आपल्याला अन्न मिळेल, पाणी मिळेल या आशेनं धावत आहेत. तर दुसरीकडे पुरात आता मुक्या जनावरांच्या मृतदेहांचा खच पडलेला दिसतोय, कारण विलास काही ठिकाणी पाणी उतरू लागलंय. या पुरात मुक्या जनावरांनाही आपला जीव गमवावा लागलाय आणि ती संख्या थोडी थोडकी नाही तर भरपूर आहे. कोल्हापूरकरांना या पुरासोबतच इथून पुढच्या काळात रोगराईचाही सामना करावा लागणार असं दिसत आहे. आणि स्वाभाविकपणे या पुरानं काय काय गिळलेलं आहे हे पाणी उतरल्यानंतर लक्षात येईल. आणि जी विषण्ण, मन विषण्ण करणारी जी परिस्थिती आहे ती हळूहळू आता आपल्या समोर यायला लागलेली आहे. मृतदेहांचे पडलेले खच आपण दुसऱ्या दृश्यांमध्ये खरंतर अस्वस्थ करणारे आहे. हेलिकॉप्टरमधून फूड पॅकेट्स टाकली जात आहेत. लष्कर अधिक सक्रिय झालं आहे. पण केवळ फूड पॅकेट्सच नाही तर या पॅकेट्सच्या माध्यमातून प्यायचं पाणी आणि खायचे पदार्थ हे देखील पुरवलं जात आहे. नागरिक पुरामुळे अनेक दिवसांपासून भुकेलेल्या आणि तहानलेल्या अवस्थेत आहेत. या नागरिकांना रेस्क्यू टीमकडून फूड पॅकेट्स दिली जात आहेत. खरं तर बुडत्याला काडीचा आधार असं म्हटलं जातं मिलिंद सर. आणि आज इतक्या मोठ्या महासंकटाचा सामना करणाऱ्या माणसांसाठी मदतीसाठी धावून आलेले हे हात कुठल्या देवदूतापेक्षा कमी नाही आहे. पण एक चारी बाजूला पाणी आहे, पाण्यात अडकलेली ही सगळी कोल्हापूर सांगलीतली जनता आहे. पण प्यायला पाणी नाही अशा प्रकारची त्यांची स्थिती आहे. डोळ्यातलं पाणीसुद्धा काही जणांच्या आटवून गेलं आहे, कारण आपल्या शेतात शिवारात पाळलेली जनावरं सोडून त्यांना स्वतःचा जीव वाचवायला निघून यावं लागलं. आणि अभिमानाची गोष्ट ही आहे, देशाच्या सीमांचं रक्षण करणारे जवान आज माणसांचं रक्षण करण्यासाठी तिथं धावून आलेले आहेत. या जवानांच्या धाडसाचं सुद्धा आपण सगळ्यांनी कौतुक करायला हवं. आज मानवतेचं काम करण्यासाठी हे सगळे जवान वारंवार अशा मोठ्या आपत्तीमध्ये धावून येतात आणि आजसुद्धा ते अन्न पाणी घेऊन सगळ्या पूरग्रस्तांसाठी धावून आले. आणि या क्षणाची एक महत्त्वाची गोष्ट, महत्त्वाची बाब जी समोर आलेली आहे. हळूहळू थोडंसं पाणी उतरलेलं आहे आणि पुराचं पाणी उतरल्यानंतर या पुरानं गिळलेल्या सगळ्या वास्तवाची दाहकता आता समोर येऊ लागलेली आहे. महापुरात मुक्या जीवांना आपला प्राण गमवावे लागलेले आहेत आणि त्या मृतदेहांचे खच आता समोर येऊ लागलेले आहेत. हे संकट इतकं प्रचंड मोठं आहे, या संकटातून बाहेर पडणं शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा किती धक्का देणारी गोष्ट असेल, किती मोठी गोष्ट असेल याची कल्पना आपल्याला सगळ्याला येऊ शकते. आणि मृतदेहांचं हे खच भविष्यात मोठं संकटसुद्धा निर्माण करू शकतात. बाढ़ का आलम यह है कि जानवर अब मरे हुए हैं और पानी के बहाव में आपको ये मरे हुए जानवर दिखाई पड़ेंगे. जो गांव वालों के जानवर हैं, गाय भैंसे वो बकरियां वो सब यहां पे देखें तो बाढ़ में इन्हें मौत नसीब हुई है. महामारी इन्हीं की वजह से बढ़ेगी. जहां तक नजर जाएगी ये जानवर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनकी लाशें यहां पर पड़ी हुई हैं, जिनकी डेड बॉडीज यहां पर पड़ी हुई हैं. आलम यह है कि कहीं ना कहीं लोग जो बाढ़ आई, बाढ़ के बढ़ने के बाद जो है जो हालात खराब हुए उसके बाद अब लोगों ने जो है अपने जानवरों को जहां पे थे वहीं पे छोड़ दिया था. इसके बाद ये जानवर भी इस बाढ़ की चपेट में आए, जिसके बाद उनकी मौत हो चुकी है और अब महामारी की स्थिति पैदा हो चुकी है. जहां तक नजर जाएगी वहां पर इन जानवरों की डेड बॉडीज मिलेंगी और साथ ही साथ एक बड़ी तीव्र दुर्गंध जो है वो फैली हुई है. वो जो है कहीं ना कहीं महामारी की असल वजह बना हुआ है. जानवरों की डेड बॉडीज यहां पर पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ये स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर है. आने वाले वक्त में जब पानी उतरेगा तो यही मरे हुए जानवर जो है एक तकलीफ की वजह बनेंगे, क्योंकि महामारी इन्हीं से फैलेगी और
फिलहाल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही थी उसकी वजह से यह हालत हुई है। आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। म्हणजे माणसं जनावरं सगळंच अडकलं होतं, बोटीतनं माणसांना बाहेर आणणं शक्य होतं ते झालं, काही ठिकाणी जनावरांना बाहेर आणण्याचा प्रयत्न झाला बिलास, पण ज्या संख्येनं शेतशिवारात जनावरं बांधलेली होती किंवा काही वेळेला पुराचं पाणी वाढणार म्हणून त्या जनावरांना सोडून देण्यात आलं, त्यांना बाहेर कसं काढायचं हा प्रश्न मात्र कायम राहिला। आणि खरं तर जी माणसं आहेत ती जीव वाचवण्यासाठी धडपडू शकतात, आक्रोश करू शकतात, पण मुक्या प्राण्यांचा आवाज नाही। त्यांनी कुणाकडे आक्रोश करायचा आणि जीव वाचवण्यासाठी कसं धडपडायचं हा प्रश्न देखील निश्चितपणे आहे, आणि या मुक्या जीवांना आपला प्राण गमवावा लागलेला आहे। परिसराला महापुराने वेढा घातलाय आणि हे वेढा घातल्यानंतर लोक अनेक दिवसांपासून या ठिकाणी अडकून पडले होते। न्यूज 18 लोकमतने आज सकाळपासून ही बातमी लावून धरली होती आणि यानंतर आज या ठिकाणी मदत कार्य पोहोचलंय। एनडीआरएफची टीम आहे, पुणे एनडीआरएफ, भटिंडा एनडीआरएफ, या सगळ्या एनडीआरएफच्या टीमच्या माध्यमातून आता रेस्क्यू ऑपरेशन हाती घेण्यात आलं। या सगळ्यांना शाळा आणि महाविद्यालयामध्ये जे लोक अडकून पडले होते या लोकांना बाहेर काढलं जात आहे आणि त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचं काम एनडीआरएफच्या जवानांकडनं हाती घेण्यात आलंय आणि लोक आता सुरक्षित स्थळी या ठिकाणी जाताना दिसतंय। हेलिकॉप्टर या ठिकाणी पोहोचलाय, एनडीआरएफच्या अतिरिक्त तुकड्या, नेव्ही, सगळ्यांच्या माध्यमातून बचाव कार्य केलं जात आहे। लोक 4 ते 5 दिवसांपासून अडकून पडले होते आणि यानंतर आता एक सुटकेचा निश्वास लोकांकडनं टाकला जातोय आणि यानंतर यांच्यावर वैद्यकीय उपचार आणि ज्या ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तू यांना मिळेल अशा ठिकाणी हलवलं जात आहे। आपल्यासोबत काही लोक आहेत, त्यांच्याशी बातचीत करू। मॅडम, आप मुझे बताइए कितने दिनों से आप वहां पर थे और आज कैसा लग रहा है अभी एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई? 2-3 दिन से हम लोग वहां पे अटके हुए थे जी। कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा था हमारे, आज आए हुए। आए तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा जान बची है। आपण बघतोय लोकांच्या या प्रतिक्रिया आहे, कारण 4 दिवसांपासून ज्या परिस्थितीत लोक होते अतिशय घाबरलेल्या मनस्थितीत होते, मात्र एनडीआरएफची टीम, नौदल ह्या सगळ्या तुकड्यांच्या माध्यमातून आता बचाव कार्याला या ठिकाणी वेग आला आहे आणि अपेक्षा करूयात की लवकरात लवकर सांगली आणि आसपासच्या परिसरात जी परिस्थिती आहे सांगली कोल्हापूर परिसरामधली, ती परिस्थिती लवकरात लवकर सुधारेल आणि जीवनमान सुरळीत होईल। व्हिडिओ जर्नालिस्ट बाळकृष्ण शेट्टीसह मी अक्षय कुडकेलवार, न्यूज 18 लोकमत, सांगलीवाडी। पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या माणसांना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न तिथे सुरू आहेत। एका बाजूला अन्न पाण्यापासून तडफडणाऱ्या माणसांसाठी अन्नाची पाकिटं तिथे पोहोचवली जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला खरं तर मुक्या प्राण्यांचे जीव गेलेले आहेत। आणि बाढ़ का आलम यह है कि जानवर अब मरे हुए हैं और पानी के बहाव में आपको ये मरे हुए जानवर दिखाई पड़ेंगे जो गांव वालों के जानवर हैं, गाय भैंसे। गांव में फंसे हुए लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य के तहत जो खाना पहुंचाया जा रहा है उसके लिए लोग टूट पड़े हैं। गांव में जो रुके हुए लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उन्हें 4 दिनों से खाना नहीं मिला है और ऐसे में साफ तौर पर देखें छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उनके लिए भी इतनी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। लोग हाथों में दवाएं जो बूढ़े लोग हैं उन्हें दी जा रही है ताकि वो किसी तरह से इस बीमारी से दूर रह पाएं। वहीं दूसरी तरफ जानवरों का भी खाना यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। जो लोग हैं उन्हें किस तरह की बीमारियाँ हुई हैं, दवाएं दी जा रही हैं लोगों को, क्योंकि लोग बीमार हैं, 4 दिन से खाना नहीं मिला है, बाढ़ की वजह से हालात खराब है, महामारी की भी समस्या फैली हुई है। सर, डॉक्टर साहब ज्यादातर लोग जो हैं उनको किस तरह की बीमारी है, क्या महामारी जैसी स्थितियां? महामारी की स्थिति बन रही है यहाँ पर, इस वजह से हम डॉक्सीसाइक्लिन की दवाइयाँ दे रहे हैं और ये क्रीम बांट रहे हैं ताकि पैरों में जो फैला हुआ है वो उनको लगाया जाए, ठीक है। और डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो हफ्ते में एक बार लेनी है वो सबको हम बांट रहे हैं ताकि महामारी ना फैले। और बाकी की जो असेंशियल दवाई है, जो सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयाँ, बहुत लोगों के पास बीपी की दवाइयाँ कम पड़ रही है, बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ बांट रहे हैं, ऐसी बात है। महामारी ना फैले उसके लिए दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। ये फूड पैकेट्स हैं जो फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ पर पड़ेगा कि किस तरह से रास्ता गायब है, न केवल
छोटी गाड़ियां बल्कि ट्रक तक डूबे हुए हैं। पेट्रोल पंप का आलम यह है कि पेट्रोल पंप भी जो है इस बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से बह चुका है। गाड़ियां जो हैं वो डूब चुकी हैं और किसी तरह से यहां से एनडीआरएफ ने जो है लोगों को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला है। नीचे की तरफ देखें यहां पर आपको गाड़ियां पानी में तैरती हुई तक दिखाई पड़ जाएंगी, जो आपको यहां पर अब साफ तौर पर देखें कि तैरते हुए गाड़ियां दिखाई पड़ने लगेंगी। क्रेन तक डूबी है, पेट्रोल पंप तक डूबा हुआ है। सबसे अहम बात यह कि इस वक्त जो है सबसे बड़ी किल्लत खाने पीने से लेकर तेल तक की, जो पेट्रोल है डीजल है उसकी किल्लत जो है इस वक्त कोल्हापुर झेल रहा है, क्योंकि आने जाने का रास्ता NH4 का रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। नजर जहां तक जाएगी वहां तक सब कुछ डूबा हुआ है। कभी ये रास्ता हुआ करता था लेकिन अब एक नदी के रूप में, एक बाढ़ के पानी के रूप में दिखाई पड़ेगा। पंचगंगा नदी जिस तरह से उफान पर है उसका सीधा असर यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से सब कुछ अपनी चपेट में ले चुका है। न कोई दुकानें बची हैं, न कोई घर बचा है, न कोई मकान बचा है, न कोई खेत बचा है, सब कुछ केवल पानी में बह रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम के लिए कि इन इलाकों में घुसना सबसे अहम है, क्योंकि समंदर जैसे उफान जो है वो लगातार यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखें एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं उनके पैरों में भी चोटें बुरी तरह से लगी हुई हैं, कि जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं दिन और रात लगातार इनका यही काम है, और लगातार ये कोशिशें भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। कुछ लोग जो यहाँ पे बस रुके हुए हैं, जो बाहर नहीं निकलना चाहते, बस उनको उनकी तरफ जो है एनडीआरएफ की नजर बनी हुई है। सर अब तक तकरीबन कितने लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं? अभी भी ज्यादा लोग तो अभी फंसे हुए नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ औरतें हैं बच्चे हैं उनको निकालने के लिए हमारी एक बोट अंदर गई हुई है, और अभी हम भी फिर से जा रहे हैं जो और वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए हम प्रयासरत हैं। आगे ये अंबेवाड़ी गांव आपको दिखाई पड़ेगा, आगे अंबेवाड़ी गांव है और उसके आगे चिकली गांव। चिकली गांव की हालत तो इस तरह की है कि वहां पे बताया जा रहा है कि समंदर में जैसे जैसे लहरें उठती हैं उस तरह की लहरें यहां पर उठ रही हैं, नजर पड़ रहा है। राधानगरी का डैम जो है उससे पानी छूटने के बाद पंचगंगा नदी का जलस्तर और बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो कोयनाबाद है उससे जो है पानी का जलस्तर छूटने के बाद कृष्णा नदी का पानी बढ़ा हुआ है, जो कि आगे पंचगंगा में मिलता है निश्चित तौर पर। वारणा नदी वो भी पंचगंगा में मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये सैलाब इस वक्त पूरे कोल्हापुर को अपनी चपेट में लिए हुआ है। फिलहाल जो है राहत और बचाव कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीम हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बुरी तरह से थके हुए हैं, लेकिन समस्याएं जो है अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है, लोगों को बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन राजेश सापले के साथ आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। पाऊस थांबल्यानंतर खरतर 24 तास उलटून गेले विलास, पण 6 फुटांच्या खालती काही पाण्याची पातळी जात नाही आणि ही कोल्हापूरच्या प्रवेशद्वाराच्या इथली दृश्य आहे। कालपर्यंत जिथे रस्ते होते तिथे आज नदी झाली आहे आणि अशा भीषण परिस्थितीतून सगळेजण दिवस काढतायत। एक छोटासा ब्रेक घेतोय, लगेच परत होतोय। नॉनस्टॉप कव्हरेज न्यूज 18 लोकमतवर या महाप्रलयाचं असंच सुरू होणार आहे। कुठे जाऊ नका, फक्त न्यूज 18 लोकमत।